हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में पीपीएससी के थ्रू जो लेक्चरर पाकिस्तान स्टडीज का पेपर हुआ है 13 अक्टूबर 2024 को, इसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो लेक्चर है, एंड तक बाद में देखिएगा। अगर हम पेपर की बात करें तो इसमें अराउंड 90% एमसीक्यूज test.pk की वेबसाइट से आए हैं, और ये कोई क्लेम नहीं है, ये एक फैक्चुअल बात है। अगर आप बिलीव नहीं करते तो आप खुद वेबसाइट विजिट करके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। मोस्टली क्वेश्चंस इसी वेबसाइट से आते हैं, इस वेबसाइट को जरूर विजिट करते रहा करें। फर्स्ट जो एमसीक्यूज है वो कुछ इस तरह से है, नंबर ऑफ सेनेटर्स फ्रॉम इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में जो नंबर ऑफ सेनेटर्स हैं, यानी कुल जो सेनेटर्स की तादाद है वो 4 है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान, जिसको अपर हाउस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, इसमें टोटल 96 मेंबर्स हैं, और 23 जो है ना, 23 हर प्रोविंस से 23 सेनेटर्स हैं, और पाकिस्तान बलूचिस्तान के भी 23 हैं, सिंध के भी 23 हैं, पंजाब के भी 23 हैं, और केपी के भी 23 हैं। 92 ये बंदे हैं, 4 सेनेटर्स को जो है वो इस्लामाबाद से इलेक्ट किया जाता है। इसी तरह सेनेट ऑफ पाकिस्तान में टोटल मेंबर्स की तादाद जो है वो 96 है। इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन विच सिटी? इंडस वाटर ट्रीटी जो सिंध तास मुआहिदा जो है, ये कराची में साइन हुआ था, और ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी के मामले पर ये जो है एग्रीमेंट हुआ था, और इसका जो ब्रोकर था, सालिसी का जो किरदार अदा किया था वो वर्ल्ड बैंक ने किया था, और ये 19 सितंबर 1960 को साइन हुआ था। पाकिस्तान की जानिब से जो प्रेसिडेंट थे जिन्होंने साइन किया था वो अयूब खान थे, इंडिया की जानिब से जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो साइन किया था। 3 दरिया इंडिया को मिले, 3 दरिया पाकिस्तान को मिले, पाकिस्तान को इंडस, जेलम और चनाब, और इंडिया को जो है वो सतलज, बियास, रावी मिले थे। मोहम्मद जियाउल हक बिकेम डैश प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान हिस्ट्री के 6 प्रेसिडेंट बने थे मोहम्मद जियाउल हक। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो सिकंदर मिर्ज़ा थे, और 1977 से लेकर 1988 तक जियाउल हक जो है 11 साल तक प्रेसिडेंट रहे हैं, और ये जियाउल हक इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और ये जो है 5 जुलाई 1977 को प्रेसिडेंट बने थे, जब जो है वो मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया गया था। फिर ये अगस्त 1988 में जहाज हादसे में जो है वो इंतकाल कर गए थे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। हजरत सुल्तान बाहू वाज द सूफी पोएट इन विच इरा? सो हजरत सुल्तान बाहू जो थे ये मुगल दौर के जो थे वो जो है वो सूफी एक शायर थे और सूफी बुजुर्ग थे, और हजरत सुल्तान बाहू 1630 में पैदा हुए, 1691 में विसाल कर गए, और ये पंजाब में जो है दफन है, और इनका जो मजार मुबारक है वो शोरकोट में पंजाब में लोकेटेड है, और इन्होंने सूफी शायरी सूफी पोइट्री बहुत ज्यादा की है, इनकी वजह से ये जाने जाते हैं हजरत सुल्तान बाहू। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्ड नेम ऑफ टेक्सला। टेक्सला का जो ओल्ड नेम था वो था तक्षशिला, तक्षशिला कुछ इस तरह से ये नाम है, और ये जो है इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था 1980 में, जो कि पंजाब में लोकेटेड है। द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड इज टोक्यो। टोक्यो जापान वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला सिटी है। व्हेन वाज सीपेक एग्रीमेंट साइन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान? चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो सीपेक का एग्रीमेंट हुआ था ये 20 अप्रैल 2015 को हुआ, और सीपेक स्टैंड्स फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये एक रूट है जो कि पाकिस्तान को चाइना से मिलाता है, गवादर को कश्मीर से मिलाता है। जनरल परवेज मुशरफ ने जो है प्रेसिडेंट हुए थे रेफरेंडम के जरिए, कब बने थे? जून 2001 में जो है वो परवेज मुशरफ सदर बने थे। और व्हेन वाज द प्रोविंस ऑफ एनडब्ल्यूएफपी सेटअप? एनडब्ल्यूएफपी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है ये 1901 में बना था, 1901 में। When who was the last viceroy of India? India के जो आखिरी viceroy थे वो Lord Mountbatten थे, और जो first viceroy थे वो Lord Canning थे, Lord Canning। Pakistan People's Party PPP जो है इसको 1967 में establish किया गया था, बनाया गया था, और ये 30 नवंबर 1967 को इसे establish किया गया था, और PPP वाले जो GLA हैं वो 30 नवंबर को जो में तासीस मनाते हैं। Who was the Viceroy of India at the time of partition of Bengal? Bengal की partition के time India के जो Viceroy थे ये Lord Curzon थे। 1905 में जो है ये इसको बंगाल को दो सूबों में जो है वो सेपरेट किया गया था, पार्टीशन हुई थी बंगाल की, तो ये लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था, लेकिन ये अनलमेंट जो इसकी हुई 1911 में हुई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन को सर जॉन मार्शल ने 1922 में डिस्कवर किया था,
और इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट आर ओनली डैश ऑफ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो टोटल एरिया है उसकी जो 4.8% जो है वो जंगलात पर, फॉरेस्ट पर मुश्तमिल है। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ सिंध असेंबली इन 1937? 1937 में जो इलेक्शन हुए थे बरसगीर में, उनमें सिंध असेंबली के जो फर्स्ट स्पीकर बने थे, इनका नाम देवान बहादुर भोज सिंह था, और सर सिकंदर हयात खान ये चीफ मिनिस्टर थे। किसके? पंजाब के ये चीफ मिनिस्टर बने थे। बाबू सरपास जो है ये एबटाबाद को गिलगित से मिलाता है, एबटाबाद को गिलगित से मिलाता है। मियां मोहम्मद बख्श जो है ये खारी शरीफ में मदफून है, और खारी शरीफ जो है ये आजाद कश्मीर में लोकेटेड है, मीर आजाद कश्मीर में, यानी कि मीरपुर और जेहलम के दरमियान में एक दरगाह है या एक एरिया है जिसको खारी शरीफ कहते हैं, और यहाँ हजरत मियां मोहम्मद बख्श जो है वो दफन है, इनका मजार मुबारक है। विच डिमांड ऑफ मुस्लिम्स वर एक्सेप्टेड इन 1909? तो 1909 में मुसलमानों का जो मुतालबा था सेपरेट इलेक्टोरेट का, यानी कि जुदागाना इंतखाबात का, वो जो है वो एक्सेप्ट किया गया था। मुसलमानों ने सबसे पहले 1906 में शिमला डेपुटेशन में ये डिमांड किया था कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट का जो है वो अख्तियार दिया जाए। तो 1909 में 3 साल के बाद इनकी जो है वो डिमांड कबूल हो गई थी, एक्सेप्ट हो गई थी। पानीपत इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा जो मौजूदा इंडिया में हिंदुस्तान में एक स्टेट है, रियासत है, वहां जो है पानीपत है। यहाँ पानीपत की पहली जंग 1526 में हुई थी बाबर और लोधी के दरमियान, लेकिन बाबर जीत गया था और मुगलिया सल्तनत की जो है वो बुनियाद रखी थी बाबर ने 1526 में। और इसके साथ साथ हुई इज कॉल्ड बाबा उर्दू। बाबा उर्दू जो है मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है, मौलवी अब्दुल हक इज कॉल्ड बाबा उर्दू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ये कब जो है पास हुआ था? ये 2 अगस्त 1858 को पास हुआ था। हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज, साल्ट रेंज का जो सबसे बड़ा जो पीक है, हाईएस्ट जो पीक है वो सोन वो है वादिये सोन सकेसर, वादिये सोन सकेसर इसका करेक्ट आंसर है। द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ हिंदू कुश माउंटेन रेंज, हिंदू कुश माउंटेन रेंज का जो सबसे बड़ा जो माउंटेन है वो तिरचमीर है, तिरचमीर इसका करेक्ट आंसर है। इसके साथ साथ जो है वो हिमालय का पूछा जाता है, हिमालय का जो हाईएस्ट पीक है वो नंगा पर्वत है, कराकरम का जो माउंट हाईएस्ट जो पीक है वो K2 है। और हु वाज व्हेन वाज आरएसएस फाउंड? आरएसएस को जो है वो 1925 में एस्टेब्लिश किया गया था, और ये जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये इसका फुल फॉर्म है। ये हिंदुओं का बेसिकली जो है वो एक तहरीक था, इनमें इन्होंने ये शुरू किया था कि सिर्फ बरेसगीर में हिंदू ही रह सकते हैं, दूसरे नहीं रह सकते। सो ये आरएसएस जो है इन्होंने हिंदुत्व जो है इन्होंने ये आगाज किया था 1925 में। व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ इंडियन होम रूल मूवमेंट? इंडियन होम रूल मूवमेंट का जो दूसरा नाम था वो था स्वराज्य सभा, स्वराज्य सभा, और ये इसका नाम जो है वो 1920 में चेंज किया गया था। विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन? 1973 की आईन में जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो मुतारिफ कराया गया था। पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि हेड ऑफ स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट है, लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है। हु वाज द फोर्थ प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो चौथे प्राइम मिनिस्टर बने हैं इनका नाम चौधरी मोहम्मद अली था। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान थे, जिन्हें 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में शहीद किया गया। दूसरे प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाजमुद्दीन थे, तीसरे प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा थे, चौथे प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, ये चौधरी मोहम्मद अली ने लिखा है बुक, और इस बुक को 1967 में पब्लिश किया गया था, द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। स्मॉलेस्ट प्रोविंस विद रिगार्ड टू एरिया, पाकिस्तान की जो सबसे जो छोटा सूबा है एरिया के हवाले से वो केपीके है। एरिया के हवाले से सबसे बड़ा जो प्रोविंस है वो बलोचिस्तान है। पॉपुलेशन के हवाले से सबसे बड़ा जो प्रोविंस है वो पंजाब है। पॉपुलेशन के हवाले से सबसे छोटा जो प्रोविंस है वो बलोचिस्तान है। लफ्ज रिख्ता का क्या मतलब है? लफ्ज रिख्ता का मतलब है कुछ ईजाद करना, इन्वेंट करना। बाइकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। बाइकैमरल जो है वो लेजिस्लेचर सिस्टम जो है पाकिस्तान में पहली मरतबा मुतारिफ कब किया गया था? 1973 की आइन में। 1973 का जो आइन था
ये 14 अगस्त 1973 को मंजूर हुआ था, नाफिज हुआ था पाकिस्तान में, और इसमें बाई कैमरल यानी के जो हमारी पार्लियामेंट है वो दो पर जो है वो दो हाउसेस पर मुश्तमिल है। पार्लियामेंट को मजलिस शूरा कहते हैं। इसमें दो हाउसेस हैं, एक तो सेनेट है जिसके 96 मेंबर्स हैं, सेनेटर्स हैं, और दूसरा जो है हमारी नेशनल असेंबली है जिसके 336 मेंबर्स हैं। जूडो इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री? जूडो जो है जापान का नेशनल गेम है। जापान के अंदर जापान का जो कैपिटल है वो टोक्यो है, और टोक्यो जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ी बड़ी पॉपुलेशन वाला सिटी है, यानी कि सबसे ज्यादा आबादी वाला सिटी है। हु रोट मौजे कौसर? मौजे कौसर ये एक बुक है और इसको लिखने वाले ऑथर का नाम है शेख मोहम्मद इकराम। शेख मोहम्मद इकराम इसका करेक्ट आंसर है। जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो आप testpoint.pk की वेबसाइट विजिट करके देख सकते हैं, वहाँ आपको कंप्लीट पेपर मिल जाएगा। और ये वो वेबसाइट है जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो जी हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03082533300। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।